दबाना ही भूल गई। कैसे हो आप? लोगों से पहले आंटी को हाय हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल। एक्चुअल में मेरा हमेशा व्लॉग का स्टार्टिंग जो होता है ना, वो बेड पर होता है। मतलब मैं जैसे उठती हूँ वैसे ही मैं बनाती हूँ, बट आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई हुई है, ऐसे ही मैं निकल चुकी हूँ। और बाय द वे, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कपड़े पहन के मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं ऑफिस जा रही हूँ और ऑफिस के बाद मैं कॉलेज भी जा रही हूँ, तो मिक्सचर पहना हुआ है मैंने। ऑफिस के भी कपड़े और कॉलेज के भी कपड़े, तो दोनों का मिक्सचर पहना हुआ है। एंड बहुत सारी बातें यार आप लोगों को बतानी है मेरे को, बहुत 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 सारी, बट ठीक है अभी फ़िलहाल मेरे को लेट हो रहा है। एंड कोई है नहीं यार मेरे साथ, मतलब जो मेरा ऐसा वीडियो निकाले और मैं बात करती रहूँ, मैं अकेली हूँ, तो यू हैव टू टॉलरेट मी दिस होल मिनट। आई डोंट नो कितने मिनट का ब्लॉग बनेगा। ठीक है, अभी मैं स्टेशन जाती हूँ, फिर ट्रेन पकड़ती हूँ और ऑफिस जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। छूटने वाली है या मैं लेट पहुंचूंगी, बट इनफैक्ट मैं नॉर्मल टाइम से जल्दी पहुंच जाती हूँ। आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड साइन और नॉट, बट मेरे साथ तो बहुत बार होता है, एग्ज़ाम में भी हुआ था, ऑफिस में भी होता है। बट ठीक है, अब मैं स्टेशन पहुंच चुकी हूँ, अब मैं ऑफिस जाऊंगी, बट उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ देन अन अकेडमी आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, बिकॉज अनलॉक 20 सीजन चल रहा है अन अकेडमी पर, जहाँ पे आपको 20% ऑफ मिल सकता है आपके हर एक सब्सक्रिप्शन पर। इसके प्राइसेस बहुत ही जल्द राइज होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द मार्च 14 से मार्च 16 तक आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मेरा कोड यूज करना CSNEHA। ऑल्सो अन अकेडमी ने अपने शिखर बैच स्टार्ट किए हैं, जो स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 16th ऑफ मार्च 2022 फॉर जून 2022 एस्पिरेंट्स। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर्स से पढ़ने वाले हो फॉर बोथ मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। और ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हर हफ्ते आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होने वाला है, मल्टीपल एजुकेटर्स होंगे फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, एंड यहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेजर ऑफ द सब्जेक्ट्स तो 16th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, बट जो टैक्स लॉ है वो 3rd वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा। इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड CSNEHA फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। गो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। बाबू हमेशा मेरे को गेट पर ही दिख जाते हैं जब कभी मैं व्लॉग बनाती हूँ। क्यों बाबू, तुमको पता होता है कि आज नया व्लॉग बनाने वाली है? हाँ।
टड़ा, ऑफिस एकदम टाइम पर पहुंची हूँ मैं। लाइक 10:15 हो रहा है, जिसको हिंदी नहीं आती 10:15 हो रहा है, एंड मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ, दैट इज ऑन टाइम। हमारे में अटेंडेंस होता है मौसी, फोटो निकालने का साइन कर लेती हूँ मैं। आज क्या तारीख है दीपक भाई? मैंने 24 का नहीं किया था, ठीक है। 25 मेरा डेस्क, मेरा फेवरेट डेस्क। सो मैं बहुत ही जल्द ऑफिस पहुंच गई हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा मेरे साथ क्या ट्रेजेडी होती है। तो कोई भी नहीं है ऑफिस में अभी, एंड आई एम द ओनली वन। एक सेकंड मैं लाइट ऑन करती हूँ, अब ठीक है। सो यस, मैं ही हूँ ऑफिस में, एंड जल्द से जल्द असाइनमेंट का काम कंप्लीट करती हूँ। थोड़ा बहुत पेंडिंग है यार, टोटल हम लोगों को 50 पेज लिखने थे, सो इट वॉज अ टास्क, बट यस हो चुका है। वो करके फिर हम चलते हैं कॉलेज। 1, 2, 3, 4 So yes guys, अभी बज रहे हैं 12:15 12:15 मतलब 10:15 को मैं आई थी, 12:15 को जा रही हूँ, एंड मैं ऑफिस से निकल रही हूँ अभी। अभी मैं जाऊँगी कॉलेज, मेरा कॉलेज है CST में, बट ठीक है। 1 घंटा ट्रेन में अकेले, मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है, मेरे दोस्त लोग भी नहीं आ रहे हैं, मैं अकेली जा रही हूँ। पहले प्लान था कि दोस्तों के साथ जाएंगे, बट एंड मोमेंट पर सब ने मेरे को टोपा दे दिया। आई वाज लाइक कोई नहीं, अकेले ही जाते हैं, लेट्स गो। तो बाय। अरे यार, मतलब इतने आफ्टरनून में मैं पहली बार निकल रही हूँ, मतलब वीकडेज में तो मुझे मौका ही नहीं मिलता कि मैं आफ्टरनून में बाहर निकल सकूँ। ऑफिस में ही रहता है पूरा टाइम, सैटरडे संडे को तो पूरे दिन सोए रहते हैं। ओ गॉड, ऑटो ही नहीं है, चलकर जाना पड़ेगा क्या? ओ गॉड, कोई नहीं। अरे यार बहुत धूप है, बट मुझे एक्चुअल में कुछ लेना है, क्योंकि मैंने लंच वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो मेरे को लेना पड़ेगा खाना वाना। खाना इन द सेंस, अभी क्या चिप्स एंड ऑल ही ले लेती हूँ। यहाँ पे आसपास में कुछ और है भी नहीं, मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। क्या खोज सकते हैं, हाँ ऑफिस एरिया है ना, तो लोग एकदम ऐसे क्या कर रही है लड़की। कोई नहीं, मैं चिप्स वगैरह लेती हूँ थोड़ा ट्रेन में टाइम पास करने के लिए। मेरा असाइनमेंट का थोड़ा सा बचा हुआ है, नाम वगैरह सब लिखना, मैं वो लिख दूंगी। फाइनली मैंने ऑटो ढूंढ लिया, ऑटो ढूंढना, बट यस आई गॉट द ऑटो, एंड मैं अभी ऑटो में हूँ, स्टेशन जा रही हूँ, वाशिंग स्टेशन जा रही हूँ। नाश्ता भी ले लिया मैंने ट्रेन में टाइम पास करने के लिए। यार यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाओ आप लोग को। मुझे बचपन के दिन याद आ गए, मतलब बचपन में मेरी मम्मी मुझे ऐसे ही मिलाया करती थी, ऑब्वियसली खुले आम में नहीं, बट ऐसे घिस घिस के सर पर, बदन पर, सब जगह। ओह माय गॉड, बेचारा बच्चा देखो कितना। ओ हो, यहाँ शावर सिस्टम भी है, वाह, फुल वाटरफॉल वाली फीलिंग आ रही होगी इसको। वाशी से CST तक के रिटर्न टिकट ले ली मैंने, एंड भूख लगा था, सोचा यहाँ से कुछ खा लूँ, बट फिर सोचा नहीं जाने दो, ये सब नहीं खाना मुझे। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू बी हेल्दी। अरे अंकल को देखो, मतलब फ़ोन मिल गया था उनको, तो वो एक ही जगह पर खड़े हो गए थे। एंड मैं थोड़ा आपको वाशी स्टेशन का टूर करवाती हूँ। इन लोगों को देखो यार, कितने शांति से स्टेशन पर बैठे। Thank you.
क्या हुआ पता है, मतलब मेरी ना आदत है ऐसे मास्क रखने की, तो मैं ऐसे मास्क रख के जा रही थी, तो एक अंकल आते हैं मुझे बोलते हैं कि मास्क ऊपर कर लो, यहाँ पे ना पकड़ते हैं। बोला अच्छा CST में ये चल रहा है, मतलब मास्क पूरा पहन के चलना पड़ता। फिर मैंने ऐसे मास्क रख के चल रही हूँ, एक्चुअल में मैं टैक्सी करने वाली थी, बट मैंने सोचा मेरे को आप लोगों से ज़्यादा देर तक बात करने नहीं मिलेगा क्योंकि टैक्सी में 2 सेकंड में आ जाते हैं, इसलिए मैं वॉकिंग आ रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। और मुझे ट्रेन में वीडियो बनाना था, बट जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी मुझे रियलाइज़ हुआ मैं मेरा एयरड्रॉप्स ही नहीं लाई हूँ। तब सोचो तो 1.5 घंटे की जर्नी ट्रेन में और आपने एयरड्रॉप्स ही नहीं लाया है, मतलब बट एयरड्रॉप्स की कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि जैसे मैं बैठी मैंने मेरा कॉलेज का असाइनमेंट किया, उसके बाद ऑफिस के 2-3 कॉल, मतलब कॉल्स पे कॉल्स आने लग गए, उसके बाद मैंने वीडियोस एडिट किए, आज क्या है बताया, आज है फ्राइडे एंड एक वीडियो आने वाला है, आप लोगों को तो तब तक आ भी गया रहेगा वीडियो, CSET के ऊपर रहेगा। सो यस गाइस, कॉलेज का काम हो चुका है एंड इट्स 2:15, पता नहीं 15 मतलब क्या हो रहा है, 10:15 को कॉलेज, 12:15 वहाँ से निकली, 2:15 का मेरा काम हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ शॉपिंग करूँ या खाना खाने जाऊँ, लेट मी थिंक ऑन इट एंड खाना सबसे पहले। सो यस, मैं खाने आई हूँ। मस्त, मेरा टमी फुल हो गया था एंड आप लोग मेरा कैप देख सकते हो, मैंने नया कैप लिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप थी। सो यस, कैप लिया बट ज़्यादा टाइम लिया, और मैं ज़्यादा टाइम मेरे फोर्ट वाले ऑफिस में भी गई थी, फोर्ट में भी हमारा ऑफिस है, सो मैं वहाँ पर भी गई थी एंड वहाँ गई तो वो लोग बोल रहे थे कि चलो मैकडी से हम तुम्हारे लिए ऑर्डर करते हैं, एंड आई वाज लाइक शिट, मैं जस्ट खाकर आई हूँ यार, बट कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सभी लोगों के साथ यू नो रहने का, व्लॉग बनाने का मौका मिला, मतलब मैं व्लॉग बनाती तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ। एंड अभी मैं CST स्टेशन पहुँच गई हूँ और बस मेरे ट्रेन का वेट कर रही हूँ कि कब मेरी ट्रेन आएगी पनवेल की, एंड मैं बैठूँगी और घर चली जाऊँगी यार, बहुत थक चुकी हूँ।